सो गाइस, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं SBI सिंपली क्लिक क्रेडिट कार्ड के बारे में। आपने इस कार्ड के बारे में बहुत सुना होगा, अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो तो इस कार्ड से बहुत सारे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करके एक्स्ट्रा 1200 रुपए अर्न कर सकते हो। तो इस वीडियो में लास्ट तक आप बने रहना, मैं आपको लाइव प्रूफ करके बताऊंगा कि कैसे आपको अप्लाई करना है जिसे आप एक्स्ट्रा 1200 रुपए अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले चलिए कवर करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स के बारे में, क्या क्या बेनिफिट है। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग इसके एनुअल चार्जेस के बारे में। इसके एनुअल चार्जेस 499 प्लस GST है। नेक्स्ट ईयर की फीस भी 499 प्लस GST है। तो अगर आप नेक्स्ट ईयर की फी वे ऑफ कराना चाहते हो, आप चाहते हो कि नेक्स्ट ईयर की फी न लगे, उसके लिए आपको पूरे साल में कम से कम इस क्रेडिट कार्ड से 1,00,000 रुपए स्पेंड करना पड़ेगा। अगर आप 1,00,000 रुपए स्पेंड करते हो तो आपको दो बेनिफिट मिलते हैं। नंबर वन, आपका एनुअल चार्जेस रिवर्सल हो जाएगा, मतलब कि आपका एनुअल चार्जेस नहीं लगेगा। और दूसरा जो बेनिफिट है वो आपको ई वाउचर 2,000 रुपए के मिल जाएंगे अगर आपका 1,00,000 रुपए स्पेंड हो जाता है। वहीं अगर आप इसको 2,00,000 रुपए एक साल में स्पेंड करते हो तो आपको 2,000 के दो वाउचर मिल जाते हैं। अमेजोन का वाउचर मिलेगा 500 रुपीज का, जिससे आप अमेजोन पे कुछ भी शॉपिंग कर सकते हो, कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं होती है। जो आपने 499 प्लस GST पे किया उसके बदले में आपको अमेजोन का वाउचर दे दिया जाता है। SBI के जो मर्चेंट पार्टनर है ऑनलाइन, अगर आप वहां पे जाके इस क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग करते हो तो आपको पर 100 पे 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। तो एक रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा होता है, तो 10 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 2,50 रुपए हो गई। तो इस तरीके से आप 2.5% का कैशबैक अर्न कर सकते हो। उनके जो मर्चेंट पार्टनर है वो है Amazon, अपोलो 24/7, बुक माई शो, क्लियर ट्रिप, नेटमैक्स, इजी डाइनर और लेंस कार्ड। वेबसाइट पर जब आप इस क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करते हो तो पर 100 पे आपको 10x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं। इन वेबसाइट को छोड़कर आप किसी भी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन स्पेंड अगर करते हो तो आपको 5x रिवॉर्ड पॉइंट मिलते हैं, मतलब कि 1.25% का कैशबैक मिलेगा। और ऑनलाइन के अलावा आप जब ऑफलाइन स्पेंड करते हो इस क्रेडिट कार्ड से, स्वाइप करते हो क्रेडिट कार्ड को कहीं पे भी ले जाके, तो आपको पर 100 पे 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। इसके अलावा आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज मिलता है। कंडीशन ये है कि आपका जो अमाउंट है वो 500 से 3000 के बीच में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल रहोगे 1% फ्यूल सरचार्ज के लिए। हम लोग बात करते हैं इसके रिवॉर्ड पॉइंट को। आप रिवॉर्ड पॉइंट को रिडीम कैसे कर सकते हैं? रिडीम करने के लिए आप ऑनलाइन इनके वेबसाइट पे जाकर आप अपने पॉइंट्स को रिडीम कर सकते हैं। बट पॉइंट रिडीम करने की टर्म एंड कंडीशन जो है वो मैं बता देता हूँ। आप पूरे मंथ में इनके 10,000 पॉइंट रिडीम कर सकते हो। 10,000 पॉइंट की इनकी कैपिंग होती है। सैलरीड एम्प्लॉय के लिए मैं बता दूंगा, आपकी सैलरी अगर 20,000 रुपए से ज्यादा है तो आप इस कार्ड के लिए एलिजिबल हो। और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो आपका जो ITR होता है वो 5,00,000 का होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपकी एक फोटो लगेगी। और अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड हो तो आपको सैलरी स्लिप देनी होगी। और अगर आप ITR बिजनेसमैन हो तो आपको ITR देना पड़ेगा। इसके अलावा मैं बताता हूँ, अगर आप कार्ड टू कार्ड अगर लेना चाहते हो तो उसके लिए भी आप एलिजिबल हो। कार्ड की आपकी जो लिमिट होती है वो 30,000 से ज्यादा होनी चाहिए और 6 मंथ ओल्ड कार्ड होना चाहिए, तब आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करते हो तो आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा। बट उसमें कंडीशन ये है कि आपका सिविल स्कोर 700 के ऊपर होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग किस तरीके से अप्लाई करेंगे जिससे हमें एक्स्ट्रा 1200 रुपए कैशबैक देखने को मिलेगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को शुरू और चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर और देखते हैं कि कैसे हमें अप्लाई करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अर्न 1200 रुपीज लिखा हुआ आ रहा है, तो हमें इस पर क्लिक करना है अर्न 1200 रुपीज पे। तो चलिए हम लोग इस पर क्लिक कर लेते हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे साइन अप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो हम लोग साइन अप के ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे हमें साइन अप करना पड़ेगा, अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो एक OTP जाएगा। OTP को यहाँ पे वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे आपको अपना Gmail ID डालना है। जैसे Gmail ID डालेंगे फिर उसके नीचे आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा। पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो चलिए हम लोग फटाफट करते हैं। रेफर कोड डालने की आपको जरूरत नहीं है। यहाँ पे ऊपर आपको अपना फुल नेम डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। तो हम लोग चलिए फुल नेम डाल के कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको कैश करो को स्लाइड करके SBI से टच करना पड़ेगा। तो एक नया इंटरफेस खुल कर आएगा SBI, ये देखिए। तो यहाँ पे आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे अप्लाई नाउ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें अपना मोबाइल नंबर डालकर साइन अप करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद एक OTP आएगा, OTP को हम यहाँ पे वेरीफाई करना पड़ेगा। OTP डालने के बाद आई एक्सेप्ट वाले बॉक्स पे क्लिक करना है और वेरीफाई पे हम लोगों को क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग इसको वेरीफाई कर लेते हैं। वेरीफाई पे जैसे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको डिटेल डालनी पड़ेगी आपकी। यहाँ पे फर्स्ट नेम है, मिडिल नेम है, लास्ट नेम है
और यहाँ पे आपको जो भी डिटेल है, पैन कार्ड का नंबर है, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, तो ये सब कुछ आपको फिलअप करने के बाद नीचे बॉक्स पे क्लिक करना है और कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन का एक बॉक्स ओपन होकर आएगा, इसको स्लाइड करके नीचे जाना है और एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम लोग एक्सेप्ट पे क्लिक करते हैं, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और ये वेरीफाइड होगा। तो ये देखिए वेरीफाइड हो चुका है। फिर इसके बाद हमें यहाँ से चूज़ कर लेना न्यू टू SBI, और यहाँ से सैलरीड या सेल्फ एम्प्लॉयड जो भी आप रहोगे यहाँ पे सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे आपको मंथली इनकम डाल के नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ डिटेल्स आएगी, उसे आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे पूरा फिलअप कर लिया और नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम लोग नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट एड्रेस आएगा जहाँ पे आपको कार्ड डिलीवर किया जाएगा। तो यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस आप पूरा प्रॉपर अपना एड्रेस फिलअप करेंगे, और इसके नीचे कंपनी का एड्रेस रहेगा, ऑफिस एड्रेस आपका, वो भी फिलअप करना है, नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको एम्प्लॉयमेंट डिटेल आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, आपकी कंपनी का नाम, ये सब पूरा कंप्लीट फिलअप करने के बाद आपको फिर नीचे सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, तो ये आपका एप्लीकेशन सेंड होगा। तो थोड़ा सा हम लोग वेट करते हैं, कनेक्टिंग टू बैंक लिख कर आ रहा है, और ये देखिए कंग्रेचुलेशन, तो ये आपका एप्लीकेशन अप्रूव हो गया और आपको 1200 रुपये कैशबैक भी मिल जाएंगे। तो ऐसे ही आपको अप्लाई करना है।